गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, आई एम ए कंप्यूटर टीचर सुनजीत सर, होप यू ऑल आर फाइन। टुडे आई एम गोइंग टू कंटिन्यू द सेकेंड चैप्टर स्प्रेडशीट फंक्शंस एंड चार्ट्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हियर यू कैन सी द कंटेंट पेज ऑफ दिस चैप्टर। आई ऑलरेडी हैव डिस्कस अप टू व्हाट आर सम फीचर्स एंड फंक्शंस। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द राइटिंग ए फॉर्मूला एंड एरर रिजल्ट। And next is basic operation in Microsoft Excel. So today I am going to discuss these two topics. Okay, writing a formula in an error result and basic operation in Microsoft Excel. So let's start today's discussion. First of all, I read this topic about you have learned about the components of a formula. Now you can combine the components of a frame or a formula. Figure number 2.15, here you can see the figure number 2.15 shows how to calculate the total marks of student in English. Okay, that means this image यहाँ पे जो calculation दिया गया है उस वहाँ पे क्या दिखाया गया है, एक student का English का जो calculation है evaluate किया गया है उसका बारे में बोला गया है। okay, यहाँ पे points कुछ mention किया गया है। first is 20% marks of term 1. Okay, 20% marks of time. We will take the 20% marks from term 1. Next is 30% marks from term 2. Okay, next is 40% marks from term 3. And since the term 3rd question paper was very tough, the principal instructed that 10 marks be given as grace marks to all students. That means जो 10 marks है, third term जो है बहुत tough था, इसीलिए 10 marks grace दिया जाएगा ऑल स्टूडेंट्स को। ओके, सो नाउ वी सी हाउ टू कैलकुलेट द इंग्लिश मार्क्स। ओके, इंग्लिश मार्क्स, हियर यू कैन सी द टेबल। फर्स्ट इज फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म मार्क्स इज 80, सेकेंड टर्म मार्क्स इज 67 एंड थर्ड टर्म मार्क्स इज 97। वी विल टेक फ्रॉम फर्स्ट टर्म 20% मार्क्स। ओके, एंड वी नीड टू एड दिस ऑल थ्री टर्म्स। सो द फॉर्मूला इज इक्वल टू सम। ओके, इज इक्वल टू सम, वी नीड टू सम दिस थ्री टर्म, दैट्स वाई वी राइट हेयर इज इक्वल टू सम। ओके, देन सी थ्री, हेयर यू कैन सी द सी थ्री सेल 80, सी थ्री इंटू 0.2, 0.2 मीन्स 20% मार्क्स। वी विल टेक द 20% मार्क्स फ्रॉम फर्स्ट टर्म। ओके, नेक्स्ट इज कॉमा, देन डी थ्री, हेयर यू कैन सी डी थ्री 67 मार्क्स, डी थ्री इंटू 0.3, 0.3 मीन्स 30% मार्क्स फ्रॉम टर्म टू। नेक्स्ट इज ई थ्री, ई थ्री कॉलम 97, ई थ्री इंटू 0.4, दैट मीन्स वी विल टेक 40% मार्क्स फ्रॉम टर्म थर्ड। एंड प्लस 10 मार्क्स मीन्स ग्रेस ऑफ 10 marks. Okay, so overall total first term and second term and third term, the percentage is total is 84.9. okay, 84.9. okay, I will explain in Hindi. जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे first term में 80 marks है, second term में 67 marks है, third term में 97 marks है। तो इसको क्या करना होगा, हम लोग को total तो करना ही है, उसके बाद जो percentage है यहाँ पे first term से 20, second term से 30 and third term से 40 लेना है। सो फार्मूला, वी राइट द फार्मूला लाइक दिस, इज इक्वल टू सम, फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट, सी थ्री, सी थ्री 80 इंटू 0.2, 20% मार्क्स, कॉमा डी थ्री 67, डी थ्री इंटू 0.3, 30% मार्क्स, एंड कॉमा ई थ्री, ई थ्री मीन्स 97 इंटू 0.4 एंड 10 मार्क्स ग्रेस। ओके, दिस इज हाउ वी राइट ए फार्मूला टू कैलकुलेट द मार्क्स ईच ऑन एवरी स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट इज एरर रिजल्ट। व्हेन वी राइट सम फॉर्मूला इन एक्सेल सीट, आवर एमएस वर्ड एमएस एक्सेल सीट, इफ वी एंटर द फॉर्मूला इनकरेक्टली, ओके, वी विल गेट ए एरर मैसेज। ओके, वी विल गेट ए एरर मैसेज, यू नीड टू करेक्ट द एरर। एंड हाउ टू करेक्ट, नंबर वन इज रेफर टू सम ऑफ द कॉमन एरर्स इन एक्सेल अलोंग देयर विद देयर मीनिंग्स। दैट मीन्स हम लोग जब भी कोई फार्मूला एक्सेल में लिखेंगे तो वहाँ पे कुछ ना कुछ एरर मैसेज दिखाता है। ओके, अगर हम लोगों ने गलत लिखा है तो ही दिखाता है। तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, हम लोगों को कुछ एरर मैसेज का मीनिंग पता होना चाहिए, किस लिए वो एरर मैसेज आता है। ओके, एंड उसके बाद क्या करना होगा, रेक्टिफाई देन एंटर द फार्मूला बाई नोटिंग द एरर मैसेजेस। ओके,
हम लोगों को वो रेक्टिफाई करना है, दोबारा से उसको ठीक करके दोबारा लिखना है। ओके, हियर यू कैन सी ए टेबल एरर मैसेजेस एंड देयर मीनिंग्स। फर्स्ट इज डिवाइड, ए नंबर इज डिवाइडेड बाय जीरो। फॉर एग्जांपल, ए वन सेल डिवाइडेड बाय ए टू सेल, वेयर द सेल ए हैज़ ए वैल्यू ऑफ जीरो। दैट मीन्स हम लोग जानते हैं कि कभी भी हम लोग जीरो से किसी को भी डिवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए वो एरर मैसेज आ रहा है। ओके, एक सेल में न्यूमेरिक डिजिट है, कोई भी डिजिट हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, लेकिन दूसरा जो सेल है उसमें क्या हो गया है, ज़ीरो हो गया, इसीलिए डिवाइड नहीं हो रहा है, इसीलिए वो एरर मैसेज शो कर रहा है। नेक्स्ट इज़ वैल्यू, ए रॉन्ग टाइप ऑफ ऑपरेंड आइटम्स ऑफ द आइदर साइड ऑन ऑपरेटर इज प्रेजेंट इन द फार्मूला। दैट मीन्स हम लोगों को जब भी कोई फार्मूला मान लिया डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है या प्लस करना है, अगर एक सेल में नंबर है, एक सेल में न्यूमेरिक वैल्यू है और दूसरे सेल में क्या हो गया है, टेक्स्ट हो गया है। ओके, हम लोग टेक्स्ट से तो कुछ भी नहीं कर सकते, कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर सकते, तो फिर ये मैसेज आएगा। ओके, जब टेक्स्ट और कोई भी कैलकुलेशन होगा, टेक्स्ट इनटू नंबर या टेक्स्ट डिवाइड बाय नंबर, तो फिर ये वैल्यू जो है उसका एरर रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट इज नॉन वैलिड रेफरेंस इज प्रेजेंट इन द फार्मूला ऑकर्स व्हेन द डिलीट रोस कॉलम सेल्स और वर्कशीट यूज इन द फार्मूला। दैट मीन्स हम लोग कोई भी फार्मूला लिखा है, हम लोगों ने कोई भी फार्मूला एक्सेल शीट में लिखा हुआ है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया है, उस रो को डिलीट कर दिया है। उस रो को डिलीट कर सकते हैं, उस कॉलम को अगर हम लोगों ने डिलीट कर दिया तो फिर को फार्मूला क्या होगा, फार्मूला ढूंढ नहीं पाएगा कि जो मेन जो हम लोग जब एक्सेल में कोई भी फार्मूला लिखते हैं, सेल वाइज लिखते हैं, कॉलम वाइज लिखते हैं। ओके, अगर हम लोगों ने उसमें से कुछ भी एक डिलीट कर दिया तो एरर तो होगा ही, इसीलिए वहाँ पे जब हम लोगों ने कॉलम सेल वर्कशीट इसको डिलीट कर देने से जो एरर मैसेज आता है वो है ये हैज़ REF। ओके, नेक्स्ट इज नेम, ए फंक्शन इज़ नॉट रिकॉग्नाइज बाय द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। दैट मीन्स ये जो एरर रिजल्ट है वो क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को पता ही नहीं है कि ये फार्मूला क्या है, तब जाके ये वाला जो एरर रिजल्ट है वो दिखाएगा। ओके, दैट मीन्स हम लोगों ने गलती ही लिखा है, कुछ ना जो फार्मूला है वो गलत लिखा है। ओके, नेक्स्ट इज ए वैल्यू इज़ टू लार्ज टू बी एकोमोडेटेड इट्स इन द सेल। दैट मीन्स हम लोगों ने जो वैल्यू दिया है वहाँ पे सेल के अंदर वो बहुत ही बड़ा है। ओके, उसको सेल एकोमोडेटेड नहीं कर रहा है, इसीलिए वो हैज़ जो है वो एरर मैसेज दिखा रहा है। ओके, यार यू कैन सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर मैसेजेस। ओके, वैल्यू, डिवाइड, नेम, रेफरेंस, हैज़, ओके, दीज आर द रॉन्ग फार्मूलाज। ओके, दीज आर द रॉन्ग फार्मूलाज। नेक्स्ट इज बेसिक ऑपरेशन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। बेसिक ऑपरेशन फर्स्ट इज प्रिंटिंग ए वर्कशीट, वी विल नो हाउ टू प्रिंट आउट आवर वर्कशीट। ओके, सो हियर यू कैन सी द स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन द फाइल टैब, क्लिक ऑन द फाइल टैब, द राइट मोस्ट साइड ऑफ द स्क्रीन शोज ए प्रिंट प्रीव्यू ऑफ ओपन वर्कशीट, प्रिंट ऑप्शन अपीयर इन द सेंटर ऑफ द पेज। हियर यू कैन सी द फाइल ऑप्शन। ओके, वी नीड टू क्लिक द फाइल ऑप्शन, देन गो टू द प्रिंट ऑप्शन। ओके, व्हेन वी क्लिक ऑन द प्रिंट ऑप्शन, द विंडो विल बी shown like this. Okay, here you can see the Excel sheet is here and we need to click on the file tab, then go to print and here you can see setting print active sheet, only print the active sheet. Next is print one sheet, one slide, only print one slide. Okay, then you need to check your settings and then press okay. Click on the print option, then the Excel document is will print. Okay, that means हम लोगों को जब भी print करना है कोई भी Excel sheet को तो क्या करना होगा, जब file tab में first of all we need to click on the file tab, file tab में click करना होगा, उसके बाद क्या करना होगा, print option में जाना होगा। print option में जाने के बाद हम लोगों को इस तरह से window show करेगा। okay, उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे देखना है number of copies, 1 देना है कि 2 देना है कि 3 देना है, जितना copy हम लोगों को निकालना है वो हम लोग निकाल सकते हैं। और यहाँ पे क्या हो गया है, settings है, प्रिंट एक्टिव शीट जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं उसी को खाली प्रिंट करना है तो उसी को हम लोग देंगे। प्रिंट वन स्लाइड, एक ही स्लाइड प्रिंट करना है तो हम लोग एक ही स्लाइड देंगे। इस सेटिंग्स को चेंज करने के बाद हम लोगों को प्रिंट में क्लिक करना है। ओके, प्रिंट में क्लिक करने के बाद ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का वर्कशीट है वो प्रिंट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज
Navigating through the worksheet. To move around in the Excel worksheet, you can use the mouse or key combination on the keyboard. When you're using the mouse, you can bring the pointer to desired the cell or click. When you're using the keyboard, the keys or keys combination that be used in माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. ओके, दैट मींस हम लोग जब भी एक्सेल सीट में कुछ भी काम कर रहे हैं तो हम लोगों को नेविगेशन आना चाहिए, एक्सेल से दूसरे सेल तक जाने के लिए, एक कॉलम से दूसरे कॉलम तक जाने के लिए, एक वर्कशीट से दूसरे वर्कशीट पे जाने के लिए. ओके, हियर यू कैन सी द टेबल्स, कीज एक्शन, कीज एक्शन. ओके, दीज आर द कीज, एंटर की टू मूव द नेक्स्ट सेल इन टू द इन द नेक्स्ट कॉलम. ओके, यू ऑल ऑफ यू नीड टू लर्न दिस कीज and functions and also know the meanings of all keys combination. ओके, दैट मीन्स हम लोगों को ये जब करना होगा, जो हम लोग एक्सेल सीट में काम करेंगे तो जितना भी यहाँ पे दिख रहा है कि कॉम्बिनेशन है कीज़ का, वो सब हम लोगों को ध्यान में रखना है. उसका जो मीनिंग है, उसका जो एक्शन है, उसका जो फंक्शन है, वो हम लोगों को याद रखना है, ताकि हम लोगों को जब भी कोई एक्सेल सीट में हम लोग काम करेंगे तो उसमें आसानी होगा. ओके, ऑल ऑफ यू नीड टू रीड दिस प्रॉपरली एंड अंडरस्टैंड द प्रॉपरली. ओके, नेक्स्ट इज स्विचिंग बिटवीन द वर्कशीट. हियर यू कैन सी हम लोग एक वर्कशीट से दूसरे वर्कशीट में कैसे जाना है. दी नेम ऑफ द वर्कशीट ऑन व्हिच यू आर करेंटली वर्किंग गेट डिस्प्ले ऑन द बोर्ड. ओके, शीट टू, टू स्विच द डिफरेंट शीट, क्लिक ऑन द शीट टैब. नाउ दी न्यू वर्कशीट गेट डिस्प्ले इन एंड इट्स नेम गेट्स बोल्ड. हियर यू कैन सी हम लोग पहले जब थे वहाँ पे स्लाइड टू में थे, हम लोगों ने माउस से क्लिक किया, उसके बाद क्या होगा, सीट फोर में आ गए. ओके, जो सीट हम लोग सिलेक्ट करना है, जो सीट हम लोग सिलेक्ट करेंगे उसी सीट हम लोग उस टाइम एट अ टाइम वही सीट हम लोगों को शो करेगा. ओके, दैट मीन्स हम लोगों को खाली एक सीट से दूसरे सीट में जाने के लिए माउस से क्लिक करना है. सीट वन में अगर जाना है तो सीट वन में क्लिक करना है, सीट टू में जाना है तो सीट टू में क्लिक करना है, और सीट थ्री में जाना है तो सीट थ्री में क्लिक करना है. ओके, दिस इज़ अ नॉर्मल प्रोसेस. ओके, नेक्स्ट इज एडिंग ए वर्कशीट. ओके, एडिंग ए वर्कशीट, टू इंसर्ट ए वर्कशीट फॉलो दिस, राइट क्लिक ऑन द शीट टैब. ओके, राइट क्लिक ऑन द शीट टैब, ए शॉर्टकट मेन्यू पॉप्स अप. दैट मीन्स हम लोग जब भी राइट क्लिक करेंगे वर्कशीट के ऊपर, तब एक मेनू अपीयर्स होगा हम लोगों के सामने कुछ इस तरह से. ओके, इस तरह से वी नीड टू क्लिक ऑन द इंसर्ट. ओके, हियर यू कैन सी इंसर्ट, द फर्स्ट ऑप्शन इज इंसर्ट. वी नीड टू क्लिक ऑन द इंसर्ट, देन वी ए न्यू विंडो विल बी अपीयर लाइक दिस. ओके, ए न्यू विंडो विल बी अपीयर लाइक दिस. वी नीड टू क्लिक ऑन द वर्कशीट. ओके, वी नीड टू क्लिक ऑन द वर्कशीट, देन क्लिक ऑन ओके, देन क्लिक ऑन ओके. हियर यू कैन सी फर्स्ट ऑप्शन इज वर्कशीट, वी नीड टू क्लिक देन ओके. ओके, नेक्स्ट यू विल सी द वर्कशीट इज हेयर. ओके, सो दिस इज अ सिंपल स्टेप्स. वी नीड टू राइट क्लिक ऑन द वर्कशीट एंड गो टू द इंसर्ट मेनू एंड देन सिलेक्ट द वर्कशीट एंड देन ओके. ओके, यू विल सी ए न्यू वर्कशीट विल बी ओपन. नेक्स्ट इज डिलीटिंग ए वर्कशीट. हाउ टू डिलीट अ वर्कशीट, टू डिलीट अ वर्कशीट सिलेक्ट द वर्कशीट बाई राइट क्लिकिंग ऑन द शीट. ओके, सेम प्रोसेस, इफ यू वॉन्ट टू डिलीट सम वर्कशीट यू नीड टू राइट क्लिक ऑन द वर्कशीट. नेक्स्ट ऑप्शन इज डिलीट. हेयर यू कैन सी ऑल सी दैट डिलीट, सेकेंड ऑप्शन इज डिलीट. वी नीड टू क्लिक द डिलीट ऑप्शन, देन द वर्कशीट विल बी डिलीटेड. ओके, दिस इज ऑल्सो ए वेरी इजी स्टेप्स. सो दीज आर द मेन बेसिक ऑपरेशन ऑन MS Excel 2016. ओके, नेक्स्ट इज हेयर यू कैन सी सम इनसाइड क्वेश्चन आंसर. आई ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस एंड टूडेज क्वेश्चन इज, दिस इज योर होमवर्क, एक्सप्लेन व्हेन द फॉलोइंग एरर आर रिपोर्टेड. आई ऑलरेडी हैव डिस्कस अबाउट दिस एरर रिजल्ट एंड देयर मीनिंग्स, डिस्कस अबाउट दिस मीनिंग. ओके, नेक्स्ट इज राइट द स्टेप्स टू टेक ए प्रिंट आउट ऑन ए आउट ऑफ ए वर्कशीट ऑन ए पेपर. राइट द स्टेप्स टू इंसर्ट ए वर्कशीट इन MS Excel एंड राइट द स्टेप्स टू डिलीटिंग ए वर्कशीट इन ए एक्सेल. आई ऑलरेडी हैव डिस्कस अबाउट ऑल द टॉपिक्स. यू नीड टू राइट दिस क्वेश्चन, यू नीड टू राइट दिस क्वेश्चन आंसर ऑन योर कंप्यूटर कॉपी. ओके, सो आई एम एंडिंग माई डिस्कशन हेयर. आई विल कंटिन्यू द चैप्टर इन माई नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो. सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू.